अर्थप का दिन तमाम भाई बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा और मेरे कैमरामैन मनदीप जी का बहुत बहुत नमस्कार। प्यारे भाई बहनों, जैसे आप सब जानते हो कि फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है। अब हम इस वक्त खड़े हैं चंडीगढ़ की सबसे व्यस्तम मार्केट सेक्टर 22 के अंदर, और कल ही चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फैसला दिया कि हम यहां पर वेंडरों को नहीं बैठने देंगे। ये बहुत बड़ा फैसला दिया है, उसमें बहुत लोगों की रोजी रोटी का सवाल आ गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो त्योहारों के समय में भी अपनी दुकानें लगा कर यहाँ पर बैठे, मेहंदी वाले बैठे हैं, सभी अपने रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा ये फैसला उन्होंने दिया है। आइए देखते हैं इस फैसले की प्रतिक्रिया में ये लोग किस दृष्टि से देखते हैं इस फैसले को। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम राजीव है, मैं यहाँ पे 15 सालों से काम कर रहा हूँ। 15 सालों पहले जो सरकार का विभाग था वो लोगों को इस तरीके से देखते थे, ये लोग हमारे हैं। अब वो विभाग नहीं रहा उनमें, अब वो देखते हैं कि हमें इनसे पैसे लेने हैं और इनको यहाँ से उठाना भी है। हमारे से मंथली पैसे ले जा रहे हैं, मंथली हम 2000 पे या 2100। आप कब से यहाँ पर बैठे हो? त्योहारों के समय पर आते हो कि परमानेंट ही होते हैं यहाँ पर? मैं परमानेंट सर यहाँ पे रेगुलरली बैठता हूँ यहाँ पर। अच्छा। 15 सालों से मैं रेगुलरली आ रहा हूँ, कोई छुट्टी भी अगर बीच में हो रहा है तो एक दो हो रहा है, बाकी मैं रेगुलर यहाँ पे मार्केट में आता हूँ। रेगुलर यहाँ पे मैं इन स्टेट ऑफिस वालों का, कॉरपोरेशन वालों का, और भी कई सरकारी जो मुलाजिम आते हैं यहाँ पर, पुलिस वालों का बेबाव देखकर मैं ये सोच रहा हूँ हमारी सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है। नहीं, जो कल को ये फैसला इन्होंने दिया है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने कि यहाँ पर हमने बैठने नहीं देना जो आपके मेहंदी वाले हैं, जैसे आप करवा चौथ का त्यौहार है और त्यौहार आ रहे हैं, तो एक हिंदुस्तान के अंदर करवा चौथ की बहुत बड़ी महत्ता होती है। ये करवा चौथ की महत्ता नहीं होती, बहुत लोगों का रोजी रोटी इस पर डिपेंड होता है, क्योंकि मेहंदी का सीजन है। अभी न्यूज़पेपर में ये भी है कि आपकी जो एसोसिएशन है वो हाई कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन हाई कोर्ट में स्टे लेने के पहले तो करवा चौथ निकल जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो वहां भी नहीं होगा, कि 16 तारीख को तो करवा चौथ है, 16-17 को आई थिंक करवा चौथ है। तो इस जो ये आपके ऊपर विकट स्थिति आई हुई है, इसको आप कैसे हैंडल करोगे? क्या प्रशासन से वैसी की बात चल रही है कि वैसी कोई ऐसी परमिशन दे दें सॉफ्ट कॉर्नर बनाकर? अब सर मैं ये कहना चाहता हूँ, हम तो चलो एक छोटे आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट की यहाँ पर सबसे ज्यादा ये इंजीनियर है, या बड़े आप देख लो बॉस से आर्टिस्ट ही है ये सभी। अब म्यूजियम में जो कितने आर्ट करते हैं, कॉरपोरेशन वाले वहां नहीं जाके बोलते हैं, हम रोड पे बैठ के आर्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर बोल रहे हैं। और मनदीप जी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सर्च मारिए, देखिए कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, आपको इसी बात से अंदाजा हो जाएगा यहाँ पर कितने लोग मेहंदी लगाकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, एक मेहनत करके काम कर रहे हैं, एक आर्टिस्ट तरीके के लोग हैं। ये कैसे काम कर रहे हैं, प्रशासन ने किस तरीके से कल एक फरमान जारी करके इनके पेट पर लात मारी है। हाँ जी, आगे बताइए आप क्या कर रहे थे? अब बस सर ये कह रहे हैं कि हमें कमेंट्री सेंटर में बिठाया जाएगा, ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे हटा देंगे। अगर आपको नहीं लगता है, जैसे आप अगर कहीं और जगह भी आपको दे देगी जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लोग जो जैसे लेडीज आएंगे, अगर आपको कहीं और जगह भी बिठा देंगे उनको दिक्कत आएगी वहां तक पहुँचने में? सर बिल्कुल, उनको मालूम ही नहीं चलेगा मेहंदी वाले कहाँ गए, वो कहेंगे यहाँ से चले गए मेहंदी वाले। अब यहाँ पे फड़ी लग रही है ये। अच्छा। अगर ये फड़ी भी लग रही है, ये भी पैसे पे करते हैं, हम भी पैसे पे करते हैं, दोनों तरफ हमारे पैसे पे होते हैं, या तो करो तो पूरा ही करो या पूरा मार्केट। अच्छा, आप पैसे देते बिल्कुल, हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल भरते हैं। तो आपके पास प्रूफ भी है? बिल्कुल प्रूफ है। अच्छा, क्या आपने जब पैसे देते हो आप, जैसे आपको कल फरमान जारी हुआ है कि एन वक्त पर पीक लेवल पर जैसे अब त्योहार चल रहे हैं उस लेवल पर इन्होंने फरमान जारी किया, क्या आपको पहले इन्होंने बताया था इस लेवल के ऐसा हो सकता है? सर अचानक हुआ है ये? अचानक ही हुआ है, जिस तरीके से मैंने देखा है कि अचानक ही हुआ। पहले तो मैंने काफी सारा आते हैं यहाँ पे स्टेट ऑफिस वाले, बहुत अच्छे भी है, बहुत लोग बातें भी होती है उनसे हमारी, पर उन्होंने हमें कभी नहीं बताया कि ऐसा एक्शन होगा हमारे ऊपर। अब हम बात करते हैं शॉपकीपर से, शॉपकीपर जो मैक्सिमम इफेक्ट हो रहे हैं इस फैसले के ऊपर, और शॉपकीपर के ऊपर ये बात ये हुई है कि इनको ये इंस्ट्रक्शन दी है एडमिनिस्ट्रेशन ने कि इनके पाथ पर कोई भी वेंडर नहीं लगेगा। और हमारे बीच में नमस्कार जी, आपका क्या नाम है जी? सुमित जी, जो फैसला कल आया है उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो कहाँ तक फायदेमंद है, कहाँ तक नुकसानदायक? दुकानदारों को स्टॉल तो लगाने देने चाहिए ना, पर्ची काट दो उसकी, आप हर साल ही पर्ची काटती है तो दुकानदार ये अपना माल अपनी दुकान पे नहीं लगाएगा, ये कह रहे हैं बाहर जाके लगाओ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है सर। पर उन्होंने तो ये कहा कि इस जगह पर जो पाथ है, लोकल पाथ है, वहाँ पर नहीं आपने लगाना, तो आपको इसकी जगह पर और कोई जगह दी है दुकान के बाहर की, वहाँ पर लगा सकते हो? नहीं, वो बाहर की कह रहे हैं, लेकिन बाहर दुकानदार नहीं जाएगा जी, अपनी दुकान छोड़ के वहाँ कोई अलग से स्टॉल लगाए, वो दुकान के आसपास ही सामने देखेगा, स्टॉल लग जाए उसकी पर्ची कर जाए।
नहीं नहीं, आप मेरी बात अंडरस्टैंड नहीं किया। हम मैं जो बात कहना चाहता हूँ, उन्होंने ये कहा है कि दुकानदार अपने दुकान के आगे लगा लेते हैं, जो पब्लिक पाथ होता है जो बाहर, वो रुक जाता रास्ता। तो मैं ये पूछना चाहते हैं हम कि उन्होंने आपको ऐसे कहा कि आप यहाँ पर ना लगाओ, उससे थोड़ा सा आगे जाके लगा लो, इससे क्या कोई आपको ऐसा कुछ नहीं कहा। तो आपको क्या लगता है इस फैसले से कितने लोग इफेक्ट होंगे? इससे काफ़ी लोग इफेक्ट होंगे जी। जब उसको दुकानदार का सामान लगने की जगह नहीं होगी, दुकान के अंदर तो इतनी जगह होती नहीं है, तो खासकर फेस्टिवल सीजन में, रूटीन में तो चलो फिर भी चल जाता है, ये दिक्कत है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या आपकी एसोसिएशन ने कोई इस बारे में कोई मुद्दा उठाया ऊपर? हम जी मुद्दा देखो क्या होता है, गवर्नमेंट के कागज, गवर्नमेंट ही बता पाएगी। लेकिन ये बात ये भी आती है कि समय बहुत कम है आपको, इस छोटे समय में कैसे मैनेज करोगे, तो क्या गवर्नमेंट इस बारे में? अब इसका हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो गवर्नमेंट और एसोसिएशन लीडर ही बता पाएंगे जी। अब हम उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, हमारे बीच में एक और जुड़ गए हैं, श्री टेकचंद जी। टेकचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्थ प्रकाश के अंदर। थैंक यू सर। तो जो फैसला आया है कल, तो उस फैसले को आप किस दृष्टि से देखते हो? कहां तक नुकसान है, कहां तक फायदेमंद है दुकानदारों के लिए, कहां तक नुकसान है, इसके बारे में बताइए। ऐसा है जी, जो त्योहारों पर माल लग रहा था, पीछे से लगते आ रहा है कई सालों से, अब लग नहीं रहा, तो इन्होंने इतना माल खरीदा हुआ है, वो करवा चौथ पे लग नहीं रहा बाहर, तो इनका नुकसान है उसमें। जे सरकार को सोचना चाहिए और इनको स्टॉल लगाने की इजाज़त देनी चाहिए। तो सरकार ने क्या आपको थोड़े दिन पहले कोई नोटिस वगैरह, कुछ तरीके की वार्निंग वगैरह आपको दी है कि ताकि आप पहले प्रिपेयर हो जाए, कि ये अचानक फैसला है? ये तो वैसे पहले इनको उम्मीद थी दुकानदारों को कि फैसला हमारे हक में दे देंगे, पर उन्होंने बाई चांस ही मना कर दिया कि नहीं हो सकता। तो फ्यूचर का प्लान क्या है आपका सभी दुकानदारों? फ्यूचर का प्लान तो यही है कि ये रिक्वेस्ट करेंगे अफसरों से ऊपर भी, हमें भी इजाजत दो त्योहारों के दिनों में। क्या इस बारे में कोई बातचीत हुई आपके एसोसिएशन की चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अफसरों के साथ? हाँ, वो चल रही है, जो व्यापार मंडल की चल रही है मीटिंग वगैरह अफसरों के साथ। अब अफसर पता नहीं क्या निर्णय देते हैं, इसका तो ऊपर वाला जाने। तो भाइयों बहनों, ये हमारे बीच में टेकचंद जी थे। आपने देखा होगा इनकी दुकान सेक्टर 22 के सबसे व्यस्तम एरिया के अंदर है, और इन्होंने खुद कहा कि मैंने इतना पैसा लगा दिया। ये सामान भी आप इनका देख सकते हो जो बिल्कुल सड़क के बीच में ही है। तो सबसे बड़ी बात है, इनके सामान के ऊपर प्रश्न, इनकी रोजी रोटी के ऊपर प्रश्न लगा है। अब फ्यूचर में क्या होगा, ये इन्होंने ये भी कह दिया कि हमारी एसोसिएशन और व्यापार मंडल इस वक्त बातचीत कर रहे हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का क्या फैसला होगा, ये भविष्य की गर्व के अंदर है। जैसे भाई बहनों आपको पता है, हम आपको ग्राउंड लेवल रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जो कल फैसला आया है दुकानदारों के अगेंस्ट में, फैसला आया कि यहाँ पर वेंडर हम नहीं लगाने देंगे, और उस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम खड़े हैं शहर सेक्टर 22 की सबसे व्यस्तम जो दुकान है, सबसे फेमस दुकान है वीरा दी हट्टी, जो ड्राई फ्रूट के लिए मशहूर है। उनके ऑनर चरणजीत सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं। चरणजीत सिंह जी, ये फैसला जो कल आया है, जो दुकानदारों के कह रहे हैं कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर हम नहीं लगाने देना, उनका क्लू ये है कि इसमें पाथ रुकता है, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये इनका फैसला बिल्कुल गलत है। वैसे रूटीन में ठीक है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए बाहर, लेकिन मेले के टाइम दिवाली फेस्टिवल सबसे बड़ा सीज़न है, इस पर ये जरूर लगना चाहिए। ये लोग भी चाहते हैं कि रश वाली जगह पे, स्पेशली लोग वहाँ जाते हैं जहाँ पे मेला लगा होता है। अगर यहाँ पे स्टॉल ही लगे तो मेले जैसा कोई इसमें दिखा गया नहीं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे स्टॉल लगें। और 50 साल से लग रहे हैं, 50 साल से क्या, ज़्यादा से लग रहे हैं, जब से हमारी उम्र है तब से हम देखते आ रहे हैं फेस्टिवल लगते हैं, और लगने जरूरी हैं, इनके बिना फेस्टिवल का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या पहले कभी आपने कहा कि 50 साल से ऐसे लगते आ रहे हैं, क्या 50 साल आप कि कभी टाइम में आपके बुजुर्गों ने भी कभी कहा हो, या कभी आपने भी देखा हो कि इस तरीके का फरमान त्योहारों के टाइम में आया हो, इस तरीके के जहन में है आपकी कोई बात? फर्स्ट टाइम हुआ ये? नहीं, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस तो हर साल करते हैं, पर वो इतनी स्ट्रिक्टनेस करते हैं जिस बार इतनी कर रहे हैं, वो लीनियट हमें दे देते हैं परमिशन की आप लगा सकते हैं फेस्टिवल के थोड़े 4-5 दिन पहले लगा लो, 3 दिन जो हम परमिशन देते हैं वहाँ लगा लो। इस टाइम तो उन्होंने बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन कर दी है कि नहीं लगाने देंगे हम, सो वो गलत है। इस टाइम हम बिजी हैं, हमारे पास भी टाइम नहीं उनके पास जाके बात करें, अगर हमारे पास टाइम होता तो हमको अपनी जो समस्या समझा सकते थे, लेकिन अब इस टाइम हम फंसे हैं काम पे, हमारे सामान आ चुके हैं, या तो हमें पहले पता होता हम अपने सामान ही ना लेके आते, सो इसलिए इनको सोचना चाहिए कुछ शिक्षकों। तो आपको लगता है कि आपकी जो एसोसिएशन भी हो, जो एसोसिएशन भी को होगा यहाँ पर, वो हो गया व्यापार मंडल, हमने भी पिछली दुकानों से जो सर्वे किया, उन्होंने कहा कि बातचीत चल रही है इस लेवल पर, जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के आला अफसर हैं, क्या आपके इस बारे में कोई ज्ञान है कि इस तरीके की बातचीत चल रही है? नहीं, बात तो उनसे चल रही है, पर वो टाइम ही नहीं देते मिलने का, वो कहते हैं हम बिजी हैं, आप कोर्ट में जाओ। वो कोर्ट में जाने का लंबा प्रोसेसर है, पर इनको अब दिवाली तक हमें थोड़ा टाइम लिमिट देनी चाहिए कि हम बाहर लगा सके और अपना काम कर सके। तो देखिए, चरणजीत सिंह जी ने ये कहा, ये दरख्वास्त की है कि हमें कम से कम दिवाली तक
का तो कम से कम मौका दे दिया जाए ताकि हम अपने अच्छे तरीके से जो सामान भी देखो इन्होंने कितना परचेज कर लिया है तो ये कम से कम सामान लगा सके। सामान बिकना ना बिकना तो दूसरी बात है, लेकिन इतना राइट तो होना चाहिए कि अपना सामान एक यहाँ पर बेच सके। तो डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा अपने कैमरामैन मनदीप जी के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।